कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की गतिविधियां निरंतर जारी हैं, वह भी सरकार के गाइडलाइन और आदेशानुसार। वैसे तो वर्ष 2020 महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का शताब्दी वर्ष है। इस शताब्दी वर्ष पर पूर्व से ही बृहद आयोजनों की तैयारी की गई थी। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इन आयोजनों पर ग्रहण लगता प्रतीत हो रहा था, लेकिन कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह के कुशल नेतृत्व में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की टीम ने वैश्विक महामारी को अपने आयोजनों पर हावी नहीं होने दिया। सर्वोच्च तकनीकी प्रणाली और सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के बीच कोर्स पूरा कराया जाता रहा, वह भी छात्रों के भविष्य के संपूर्ण हितों को ध्यान में रखते हुए। इतनी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी टीम की जरूरत थी, वह भी पूरी टीम को सुरक्षित रखते हुए। इस सुरक्षा की बागडोर संभालने वाले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर संतोष कुमार से हमने बात की। प्रोफेसर संतोष कुमार ने अपनी कार्यशैली का विस्तृत ब्यौरा हमारे सामने रखा, जो बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा। सिक्योरिटी का सवाल है। ऑलरेडी हमारी व्यवस्था बहुत सुदृढ़ चल रही है। जैसे गेट पे दो ही गेट से एंट्री है, कैंपस एक के लिए गेट नंबर 1, कैंपस 2 के लिए गेट नंबर 2, और बाकी किसी गेट से एंट्री नहीं है किसी की। और गेट पे जैसे ही एंट्री हो रही है, यदि वह व्यक्ति विद्यापीठ का नियमित अध्यापक या कर्मचारी है, तो उसका आई कार्ड चेक करके उसको हम वहाँ थर्मल स्कैनिंग होती है, टेम्परेचर चेक करने के पश्चात यदि वह नॉर्मल है तब तो अलाउ करते हैं, भाई उनको वापस भेज देते हैं हम घर। बाहरी व्यक्ति आता है तो उसका भी थर्मल स्कैनिंग करते हैं, पूरा उसका गाड़ी का नंबर, उसका नाम पता सब लिख के, किस कार से जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, पूरी एंट्री होती है लॉग बुक में, उसके बाद उनकी एंट्री देते हैं। उसके पश्चात यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिस भी फैकल्टी में जा रहा है या जिस सेंट्रल ऑफिस में आ रहा है, वहाँ फर्दर फिर थर्मल स्कैनिंग होती है और टेम्परेचर की जाँच होती है। यदि वह सही पाए जाते हैं तब उनको अंदर अलाउ करते हैं, अदरवाइज हम उनको वहीं से मना कर देते हैं। दूसरी चीज़, पूरा कैंपस हमने हर हफ्ते एक बार हमारा पूरा सैनिटाइज होता है और फॉगिंग होती है, जिसमें नगर निगम ने काफ़ी सहयोग किया हमको। हम जब जब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कमिश्नर साहब अपनी गाड़ी भेज देते हैं जो पूरा कैंपस को फॉगिंग करती है, सैनिटाइज करती है। विभागीय जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे सेंट्रल ऑफिस है या एफिलिएशन है, लाइब्रेरी है या अन्य अध्यापक या कर्मचारीगण की आवास है, माननीय कुलपति जी का आवास है, रजिस्ट्रार साहब का, सबके आवास में हमने खुद अपने लेवल से भी सैनिटाइज कराया। हमारे गार्ड्स वगैरह गए हैं, ऑफिशियल्स गए हैं, कर्मचारी गए हैं और जाकर सैनिटाइज किए। दूसरी चीज़, अभी 1 तारीख से हमारा पूरा सिक्योरिटी जो है उसकी जो अटेंडेंस है दैट विल बी ऑनलाइन, यानी आप फिजिकली साइन नहीं करना है आपको। आप आएंगे वहाँ फेस रीडर लगा हुआ है, आप जैसे ही उसके सामने बायोमेट्रिक मशीन सामने आएंगे वहाँ फेस आपका आयरिस को रीड करेगा, आपकी अटेंडेंस वहाँ लग जाएगी। और बिल्कुल हमारा कैंपस स्वस्थ है, सभी सेफ हैं, अच्छे से हैं और हमारा काम दुरुस्त चल रहा है। सेट 24 घंटे, यदि मान लीजिए मैं एज ए चीफ डॉक्टर मेरे घर भी कोई आने वाला है तो जब तक मैं कहूँगा नहीं वो आएंगे नहीं। किसी भी व्यक्ति विशेष अगर किसी कोई बाहरी आगंतुक आ रहे हैं तो उनको बाइजत उनको वहाँ बैठाया जाता है, उनका टेम्परेचर फिर पूछा जाता है किसके घर, वो अलाउ करते हैं तभी हम भेजते हैं। यदि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, एक परिवार आया बाहर से तो हमने कहा कि हम अलाउ नहीं, जब तक आप CMO से सर्टिफिकेट लेके नहीं आएंगे कि आपको कोरोना वायरस से अफेक्टेड नहीं है आप, पहली चीज़। इनकेस सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद भी यू हैव टू गो फॉर होम क्वारंटाइन फॉर 14 डेज और 21 डेज एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, जो भी सलाह बताया है, तो जो भी उनकी सलाह एडवाइजरी है। तो हमने ये सब मेंटेन कर रहे हैं और किसी का बिल्कुल बाहरी एंट्री बंद है हमारे यहाँ किसी प्रकार। इवन इसके अलावा हमने अभी बैंक से रिक्वेस्ट किया, बैंक ATM में जाता है, स्पेंसर वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट किया, या बिग बाज़ार है वो अपनी गाड़ी ले आते हैं और कैंपस में लगा देते हैं, जिसको जो खरीदना वहाँ खरीद लेता है। जहाँ तक ऑनलाइन का सवाल है, हमारी पूरी टीम उसकी है जो पूरा ऑनलाइन, उसके मेन आदमी है बंशीधर पांडे साहब जो DSW है, उनके साथ राहुल गुप्ता जी लगे हैं, KK सिंह जी लगे हैं, उर्जुता जी लगी हैं, तमाम सभी अध्यापक लगे हुए हैं जो अपने अपने विभाग के अपने फैकल्टी का लोग ऑनलाइन चीज़ों को स्थापित कर रहे हैं और हमारा संवाद चल रहा है बच्चों से लगातार। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी फैकल्टी ने ऑनलाइन क्लासेस ना ली हो, PPT वगैरह ना अपलोड किया हो। और अगर आप कंपेयर करेंगे अन्य विश्वविद्यालयों से तो आप पाएंगे कि विश्व काशी विद्यापीठ नंबर 1 एकदम बिल्कुल।
लगातार, और हमारे सबसे बड़ी बात है कि जो घर के मुखिया माननीय कुलपति हैं वो लगातार लगे हुए निरंतर, इवन संडे भी आ जाते हैं, बैठे अपना काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम, बस लंच में जाते हैं एक घंटे बाद भी आ जाएंगे, काम चलता रहता है। सुरक्षा के इंतजामों की युद्ध स्तरीय व्यवस्था के साथ काम कर रही पूरी टीम प्रशंसा की हकदार दिखी। चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर संतोष कुमार से मुलाकात के बाद हम पहुंचे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष डॉक्टर वंशीधर पांडे के पास और उनसे इस महामारी काल में छात्र हितों और उनके कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। छात्रों के हितों और कल्याण के लिए स्थापित छात्र कल्याण संकाय के प्रमुख डॉक्टर वंशीधर पांडे ने हमसे बात करते हुए विस्तृत ढंग से छात्र हितों के लिए किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। डॉक्टर वंशीधर पांडे ने बताया कि इस लॉकडाउन में अवश्य ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, सिर्फ स्टाफ को लेकर के घर बैठे उन छात्रों के सारे कार्यों को संपादित कराया गया, छात्रों को किसी तरह की भी कठिनाई नहीं होने दी। जिन छात्रों ने जिस तरह की समस्याओं से अवगत कराया उसका निदान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की पूरी टीम ने लग करके किया। जब वैश्विक महामारी का प्रभाव शुरू हुआ और भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश हमें प्राप्त हुए और जो सही भी थे लॉकडाउन के दौरान, तो एक स्थिति ये आई कि विद्यार्थियों से जो हमारी परीक्षाएं चल रही थी उनके दिन प्रतिदिन के संवाद हो रहे थे वो एक तरह से ठप पड़ गए। ऐसे में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर सोचा और छात्र हित में हमें कार्य करना था, तो क्लासरूम टीचिंग को लेके, रिसर्च को लेके, उनकी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को लेके, उनके कल्चरल डेवलपमेंट को लेके और स्पोर्ट्स को लेके, यह सारी चिंताएं हम लोगों की शुरू हुई। उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की और आपको यह जान के शायद बेहद खुशी होगी सभी को कि हमारे विश्वविद्यालय के 100% विभागों में और हमारे दोनों परिसरों में ऑनलाइन कक्षाएँ भरपूर चली हैं और पीजी लेवल के विद्यार्थियों के जो कोर्स छूटे हुए थे वो पूरे ही नहीं करवाए गए, उसके रिवीजन भी चल रहे हैं और लगभग 100% शिक्षकों ने ये ऑनलाइन कक्षाएं ली हैं और इसका लाभ हमें ये मिला कि विद्यार्थियों के साथ साथ हमारा अभिभावकों से भी जुड़ाव हुआ उनका, तो एक तरह से अभिभावक और अध्यापक संबंध भी वहाँ पर बहुत बेहतर बने हैं। लेकिन केवल कक्ष शिक्षण से ही काम नहीं चलने वाला था, हम लोगों ने रिसर्च के लिए भी प्रयास किया और कैंपस प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रमन पंत साहब के साथ मिलकर मैंने वार्ता की और उसके बाद हम लोगों ने प्रति सप्ताह शनिवार के दिन एक रिसर्च डेवलपमेंट पे वर्कशॉप रखी जिसमें ऑनलाइन विद्यापीठ के और कॉलेजेस के भी स्टूडेंट उससे जुड़ते हैं और रिसर्च टेक्निक्स पे किसी विशेषज्ञ को बुला के हम लोग अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। विगत 25 तारीख से 31 मई तक हम लोगों ने रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए ही एक नेशनल लेवल की वर्कशॉप की जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के साथ साथ बाहर के भी विश्वविद्यालय के शोधार्थी सम्मिलित हुए और देश के कोने कोने से हम लोगों ने करीब 16 विशेषज्ञों को बुलाया और रिसर्च मेथड्स पे ये चीज़ें, मतलब उनको ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा परिष्कृत करने की कोशिश की गई। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने पीएचडी स्कॉलर्स के साथ एक ऑनलाइन बैठक की माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार और एक दिन कुलपति जी ने भी उन विद्यार्थियों को संबोधित किया और बताया कि अपने रिसर्च को कैसे जारी रखा जा सकता है। सारे अध्यापक जिनके अंडर में इस समय रिसर्च स्कॉलर्स एनरोल्ड हैं वो अपने विद्यार्थियों के साथ विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन जुड़ के और उनके रिसर्च को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस चीज़ में भी हैं कि बच्चों को जिनको सबमिशन करना है उनका किसी भी प्रकार से रुके नहीं और उनका किसी प्रकार से अहित नहीं हो। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने परसों ही 4 तारीख को एक अपने अंतर विश्वविद्यालयी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के विभिन्न परिसर के विद्यार्थियों हेतु एक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जिसमें संगीत, कला, साहित्य और नृत्य की विधाओं की 16 विधाओं का आयोजन किया गया। उसमें बढ़ चढ़ के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है और उसी दिन शाम को उन्हीं विद्यार्थियों की प्रस्तुति भी हुई ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें हुई हैं। और पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी उस दिन हमारी मुख्य अतिथि थी, भरत शर्मा व्यास जी जो प्रख्यात गायक हैं उन्होंने भी विद्यार्थियों को आके उसके बाद एक तरह से प्रशिक्षण ही दिया और कुछ अलग, तो यह एक सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी हमारी रुकी नहीं है, निरंतर चल रही हैं।
विद्यार्थियों के लिए वेबिनार, जिससे विद्यार्थियों को अलग से एक हम लोग कैंपस प्लेसमेंट सेल के साथ मिलके एक 3 दिन के लिए, हफ्ते में 3 दिन हम लोग चला रहे हैं, जो ऑनलाइन वर्कशॉप होती है जिसमें ईमेल कैसे लिखा जाए, कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाए। इसमें हम लोग अभी 20 से अधिक वर्कशॉप ये कर चुके हैं, 1 घंटे की होती है और 1 घंटे का प्रश्नोत्तर होता है, कुल 2 घंटे का सेशन होता है। तो ये हम लोग कर रहे हैं। विद्यार्थियों के जब एनरोलमेंट होते हैं तो उनका फ़ोन नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड होता है। हमने मास्टर्स के सभी लेवल के स्टूडेंट, जो सभी विभागाध्यक्ष महोदय थे, उन्होंने उन फ़ोन नंबर्स को लिया, उनके व्हाट्सएप नंबर्स कलेक्ट की और व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया सभी मास्टर लेवल के स्टूडेंट का, और उन व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही विद्यार्थियों को कक्षाओं की सूचना और उनके जो कोई भी कठिनाइयाँ आ रही थी घर पर उसकी भी सूचनाओं को हम लोगों ने उनसे प्राप्त किया और उसका समाधान करने का भरसक कोशिश की। कुछ परेशानियां ऐसी भी आईं कि जब विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से इतर कुछ समस्याएं आ रही थी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कठिनाइयां आ रही थी, उसके बाद माननीय कुलपति जी से परामर्श करके हम लोगों ने एक परामर्श समिति बनवाई काशी विद्यापीठ में, जो वेबसाइट पर भी डिस्प्ले है, उसमें 15 टीचर्स हैं, उसका एक समय सारिणी निर्धारित की गई है और हम दूरभाष के माध्यम से विद्यार्थियों के, उनके अभिभावकों की ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं और ये बहुत सक्सेसफुल इंटरवेंशन हमारा रहा है इस लॉकडाउन की अवधि में। तो चूंकि सूचना संचार की तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि बच्चों के पास फ़ोन होता है और उनका फ़ोन नंबर हमारे पास होता है, वो बहुत हेल्पफुल हुआ और इसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि ये हमारे लोगों ने पहले ही देख लिया था शायद इन सारी चीज़ों को कि कभी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए हम लोग मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। तो उस मोबाइल नंबर से बहुत सहायता मिली है, अधिकांश बच्चों के ईमेल आईडी भी हमारे पास हैं, उनको उसके माध्यम से भी सूचनाएं भेजी जा रही हैं। वेबसाइट पे हम लोगों ने ई कंटेंट अपलोड करवाए हैं कि जो पाठ्य सामग्रियाँ नहीं मिल रही थी, लाइब्रेरी खुली नहीं थी, तो इसलिए वो पाठ्य सामग्रियाँ विषय के अनुरूप हम लोगों ने विकसित की हैं। उसके साथ ही साथ ई बुक्स जो हमारी है और इस तरह की चीज़ें जो साइबर हमारी लाइब्रेरी थी, उसको भी सबके लिए वो किया कि वो एक्सेसिबल हो सके विद्यार्थियों के लिए। तो ये प्रयास भी उनके पाठ्य सामग्रियाँ उपलब्ध करवाने के लिए किया गया है। कुछ तो ये था कि हमारे जो अध्यापक हैं, और मैं बहुत ही मतलब आदर के साथ कहना चाहूँगा कि जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तो उनकी महारत ऑफलाइन में थी, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो उनकी महारत ऑफ ऑनलाइन क्लासेस में भी हो गई। इसके अलावा एक सबसे अच्छी बात जो हुई है कि यूनिवर्सिटी ने हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है ऑनलाइन वेबिनार्स करने का और ट्रेनिंग करने का, और वो जिसके माध्यम से हमने करीब मतलब कह सकते हैं कि 50 से ज़्यादा, लगभग 100 के करीब वेबिनार, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स और इस तरह के प्रोग्राम किए हैं, जो विश्वविद्यालय का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जो हमें उपलब्ध कराया गया है। तो ये तकनीकी की सहायता विश्वविद्यालय की ओर से बहुत मिली है। हमारे विश्वविद्यालय के जो वेबसाइट और उसके जो वेब मास्टर हैं, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक टीचर से संपर्क करके और उनकी सहायता करके, अगर उन्हें कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है तो वेबसाइट पे ई कंटेंट अपलोड करने में उन्होंने बहुत सहायता की है। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि ई कंटेंट केवल यूनिवर्सिटी कैंपस ही नहीं, बल्कि हमारे तीनों कैंपसेस के, और इवन हम कहेंगे कि चौथा कैंपस जो हमारा एग्रीकल्चर साइंसेज का है, उसके भी शिक्षकों ने ई कंटेंट बढ़ चढ़ के अपलोड किया है। और जितने कोर्स हम लोगों के यहाँ चल रहे हैं उसमें से जितनी क्लासेस चल रही हैं उन सबके लगभग ई कंटेंट इस समय यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड है। तो ये दो चीज़ें तो विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत ही प्रमुखता से की गई। और सबसे खुशी की बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी विभागाध्यक्षों से बना हुआ है और वो रोज की सूचनाओं का प्रसारण उसके द्वारा किया जाता है। तो अब आप ये समझें कि प्रथम स्तर पर माननीय कुलपति जी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों और संकायाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है या सूचनाएं दी जाती हैं, वो उसके बाद अपने शिक्षकों के साथ वो सूचनाएं दूसरे ग्रुप में शेयर करते हैं और शिक्षक उसमें से आवश्यक सूचनाएं विद्यार्थियों तक तीसरे ग्रुप में शेयर करते हैं। तो ये 3-tier अरेंजमेंट है जो हम लोगों ने प्रयोग किया और ये बहुत सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक कम्युनिकेशन के जाने का फ्लो और नीचे से ऊपर तक कम्युनिकेशन आने का फ्लो, दोनों दो तरफा संवाद लगातार बना हुआ है। इस दौरान हम लोगों ने बहुत सारे लेख भी लिखे हैं, विश्वविद्यालय के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वेबिनार्स में विषय विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित भी किया है। हम लोगों ने भी शायद वो लोग जो ऑफलाइन नहीं आ पाते उन्हें ऑनलाइन हर विधा के लोगों को बुलाया और सभी ने बड़े सहर्ष हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, आए हैं। तो यह जो संवाद हुआ है, यह जो विमर्श हुआ है, यह बहुत फ्रूटफुल रहा है और इस लॉकडाउन का
हमारे विद्यार्थियों ने और शोधार्थियों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, क्योंकि उनके प्रतिभागिता के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ही अच्छा रहा है। विश्वविद्यालय बहुत भाग्यशाली है कि इस समय माननीय प्रोफेसर TN सिंह सर के रूप में एक ऐसे कर्मठ यशस्वी कुलपति हम लोगों को मिले हैं, जिन्होंने न केवल इन गतिविधियों को चलाने में सहायता दी है बल्कि गतिविधियों के लिए प्रेरित किया है। और यह प्रेरणा केवल अध्यापकों को ही या विभागाध्यक्षों या संकायाध्यक्षों को नहीं, उन्होंने विद्यार्थी के स्तर पर जाके संवाद किया है। उन्होंने निर्देशित किया छात्र संकाय के संकायाध्यक्ष होने के नाते मुझे कि आप केवल विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों से भी आप लगातार संवाद करिए। और हम लोग मतलब कोशिश करते हैं कि अधिकांश जिलों के महाविद्यालय जो संपर्क में आते हैं उनके विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष संवाद हो। सर ने तकनीकी रूप से, भौतिक रूप से, और कभी कभी जब हमारा मनोबल टूटने लगता था तो उस समय एक संबल प्रदान करने का भी उन्होंने काम किया है। और जिस भी कार्यक्रम में उन्होंने जब भी बुलाया गया और जब भी आवश्यकता पड़ी, हम भले आमने सामने नहीं मिलते थे लेकिन ऐसा मिल लगता था कि वो हर समय हमारे साथ हैं। और बहुत प्रमोट किया है स्टूडेंट को, टीचर्स को, और शायद वो न होते तो बहुत सारी गतिविधियाँ संभव नहीं होती। तो ईश्वर उन्हें भी शक्ति दे कि वो इसी तरह लगातार कार्य करते रहें। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं इस मायने में। सबसे महत्वपूर्ण बात कि शुरुआती समय में जब तक सरकार ने यह परमिशन दी थी और जिस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, उस समय माननीय कुलपति जी और उनके साथ काफ़ी अध्यापक और लोग निकले सड़कों पे, और जिन्हें आवश्यकता थी उन्हें आइडेंटिफाई करके भोजन भी वितरित किया गया। यह तब तक चलता रहा जब तक कम्युनिटी किचन ऑर्गेनाइज नहीं हुआ गवर्नमेंट द्वारा, और एक ऐसा निर्देश आया कि अब जो भी होगा वो वहाँ के माध्यम से। और हमारे कई शिक्षकगण ऐसे हैं जो वहाँ भी जुड़ के और ये सहायता दे रहे हैं। उसमें राष्ट्रीय सेवा योजना की भी भूमिका प्रमुख रही, छात्र कल्याण संकाय की भी भूमिका प्रमुख रही। तो ये एक काम किया। दूसरी बात कि विश्वविद्यालय होने के नाते या शैक्षणिक संस्थान होने के नाते हमें एक यह भी सोचना है कि हम अनलॉक की सिचुएशन में हमारी भूमिका क्या होगी, और जो मतलब केवल विद्यार्थी ही नहीं बल्कि जो श्रमिक हैं और लोग हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए एक छात्र कल्याण संकाय की ओर से हम लोगों ने 3 दिन की नेशनल वेबिनार की, और वो वेबिनार प्रवासी श्रमिकों के ऊपर ही किया गया स्पेसिफिकली। उसमें देश के अलग अलग भागों में जो काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों के साथ लोग हैं वो आए, उन्होंने अपने विचार रखे, एक बहुत अच्छा विमर्श हुआ, और इसकी एक हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार की है और शासन को प्रेषित किया जा रहा है। वो तैयार हो चुकी है, माननीय कुलपति जी ने अप्रूवल दे दिया है, जिसमें सरकार की भूमिका क्या हो, स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका क्या हो, विद्यार्थियों की भूमिका क्या हो, और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका क्या हो, और अलग अलग स्तर पर किस प्रकार की भूमिकाएं हैं, और अनलॉक जब होगा तो उस समय क्या विश्वविद्यालय रोल अदा कर सकता है, उसके साथ साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपना कौन कौन सा अवदान देना चाहता है। यह डिटेल रिपोर्ट लगभग 23 पेज की बना के हम लोगों ने शासन को प्रेषित की है, और निश्चित रूप से मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि अगर कोई भी नीति बनेगी इस संदर्भ में तो हमारे इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया जाएगा। और एक हम लोग इस प्रयास में हैं कि अभी उसी रिपोर्ट के आधार पे और उसको रिव्यू करने के लिए, और जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है यानी जो घर वापसी हो रही है मजदूरों की, उसके लिए एक हम लोग दोबारा एक दिन बैठ के रिव्यू करें और उससे कैसे निपटा जाए और उसके लिए प्रभावी भूमिका क्या हो सकती है, और विशेष रूप से काशी विद्यापीठ और इसके एल्युमिनस जो है वो कैसे इसको देख रहे हैं, इस बारे में भी एक दिन की वेबिनार करेंगे। और इस महीने के अंत में यानी जून के अंत में हम अपने विभिन्न जो नामचीन एल्युमिनी हैं और जो लोग अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, हम उनके भी अनुभव बांटने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 28 जून को एक हम बृहद समागम करें अपने पुरातन विद्यार्थियों का, जिससे कि उनके द्वारा किए गए अवदानों को और उसके बाद आगे की क्या योजना है इसे निर्धारित किया जा सके। और चूँकि हम अपने शताब्दी वर्ष में हैं और शायद इस समय हमारी ज़रूरत भारत को सबसे ज़्यादा है विद्यापीठ की, क्योंकि जिन उद्देश्यों पे यह स्थापित हुआ था आज फिर हम आके वहीं पे खड़े हैं, तो उसलिए हम अपने उन पुराने एल्युमिनस को भी आज शामिल करना चाहते हैं इसमें। और उन्हें शामिल करने के बाद हम एक बृहद योजना बनाएंगे कि हम वर्ष पर्यंत क्या कर पाएंगे समाज के लिए, और हमारा एक एक अध्यापक और एक एक शिक्षक, एक एक कर्मचारी और एक एक छात्र जो है इसके लिए कटिबद्ध है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतर अवदान दे सकें, मतलब शिक्षा के अतिरिक्त भी जो हमारे दायित्व हैं उस क्षेत्र में भी। डॉक्टर बंसीधर पांडे ने पूरी टीम का हौसला बढ़ाए रखा, जिस कारण छात्रों को इस लॉकडाउन काल में भी कोई कठिनाई नहीं हुई और ना ही छात्रों की पढ़ाई रुकी, सिर्फ कुछ विलंब जरूर हुआ। छात्र हितों के प्रति
जागरूकता बेहद प्रशंसनीय है। आज बस इतना। अगले एपिसोड में कुछ नए महानुभाव से आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।